आज हम बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से ठेकुआ। इसको आप स्टोर करके 1 से 1.5 महीने भी रखेंगे फिर भी खराब नहीं होगा। इसमें हम गेहूं का आटा, मैदा और सूजी तीनों का यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम कोई बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। आप मेजरमेंट के लिए कोई कटोरी, ग्लास कुछ भी ले लीजिए। 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप महीन वाली सूजी, आप चाहे तो मोटी सूजी भी ले लीजिए। सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप देसी घी डालेंगे। अब इसको हमें अच्छे से मोइन करना है। इस तरह से रब करते हुए बढ़िया से मोइन कर लेंगे। तो बस ये देखिए अच्छे से ये मोइन हो गया है। अब इसमें 4 से 5 हरी इलायची डालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम हरी इलायची का पाउडर नहीं डालेंगे और ना ही कूट कर डालेंगे। बस इसके छिलके को खोलेंगे और दाने को इस तरह से अलग करते हुए इसमें डाल देंगे। इस तरह से जब हम ठेकुए में हरी इलायची डालते हैं तो इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। वैसे आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है कि मुंह में आए, तो आप इसका पाउडर या फिर दरदरा कूट कर भी डाल सकते हैं। इसी के साथ में डाल देंगे 1/4 कप यानी कि 3/4 कप चीनी। यहाँ पर बड़े दाने की चीनी मैं ले रही हूँ, आप चाहे तो छोटे दाने की चीनी भी ले सकते हैं। बड़े दाने की चीनी लेने से क्या होता है कि ठेकुए में ऊपर से जब चीनी का दाना दिखता है तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी होता है। इस तरह से चीनी दिखता है तो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। अब इसका डो लगाने के लिए मैं दूध ले रही हूँ, आप चाहे तो पानी का यूज कर सकते हैं। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि चीनी और इलायची का दाना अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका हमें डो तैयार करना है। और डो ऐसा नहीं कि इसको मसल कर चिकना करना है, बस इस तरह से डो तैयार करना है कि ये आपस में इकट्ठा हो जाए, इसको मसलना नहीं है। इसमें दूध बहुत कम लगता है तो एक साथ ज्यादा दूध नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा दूध ही जरूरत के हिसाब से डालिएगा। आप चाहे तो इसमें अपनी पसंद अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्लेन बना रही हूँ। बस इकट्ठा हो जाए उतनी देर के लिए ही इसको हमें गूंदना है। तो देखिए इसको मैं चिकना नहीं की हूँ, इसको जब इस तरह से करेंगे तो ये इकट्ठा हो रहा है। बस इसी तरह से इसको इकट्ठा कर लेना है। तो बस हम इस तरह से प्रेस करके रखेंगे और ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, तुरंत ही हम इसको बनाएंगे भी। तो जिस साइज का आपको बनाना है उतना इसमें से ले लीजिए। और आप चाहे तो इसको सांचे से बनाइए या फिर किसी और भी चीज़ से बना सकते हैं। मैं कई सारे वीडियोस डाली हूँ, कई तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से ओवल शेप में दे रही हूँ और हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। इस तरह से करेंगे और चम्मच लेंगे या फिर आप चाहे तो चाकू भी ले सकते हैं। बैक साइड से इस पर इस तरह से लाइनिंग बना देंगे। बस इस तरह से सारे हम बना बना कर रख लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम बनाते रहेंगे और फ्राई भी करते रहेंगे, क्योंकि फ्राई करने में ही ज्यादा समय लगता है। तो फ्राई करने के लिए देखिए मैं ऑयल गैस पर चढ़ा दी हूँ गरम होने के लिए, और हमें यहाँ पर मीडियम गरम ऑयल चाहिए। ऑयल जब मीडियम गरम हो जाए तब फ्लेम लो कर देंगे और इसको हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आप चाहे तो ऑयल के बजाय देसी घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से पैन में आसानी से जितना आ जाए उतना डाल देंगे और इसको हमें पलटना नहीं है। जब एक साइड से लगेगा कि हल्का कलर आ चुका है तब इसको पलटेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है तो पलटेंगे तो टूटने का डर होता है। तो बस जब एक साइड से हल्का कलर लगे कि आ चुका है तो इसको हम पलट देंगे दूसरे साइड से, और दूसरे साइड से भी बढ़िया से कलर आने देंगे और इसको खस्ता होने देंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि फ्लेम एकदम लो रखना है, लो फ्लेम पर जब हम इसको बनाएंगे तो अंदर तक एकदम खस्ता हो जाएगा। तो जब दोनों साइड से बढ़िया से कलर आ जाए फिर इसको हम निकाल लेंगे। वैसे कलर इस पर आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा ला सकते हैं। तो बाकी कठेकुआ भी इसी तरह से बनाकर निकाल लेंगे। तो लीजिए बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत बहुत ज्यादा खस्ता ठेकुआ बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से आप भी ठेकुआ बनाकर पूरे 1 से 1.5 महीने तक खा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मजेदार ठेकुए की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।